स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे हम जब खाना खाते हैं, चाहे हम डिनर कर रहे हैं, चाहे हम लंच कर रहे हैं, चाहे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो हमें सोना किस साइड चाहिए। अगर हम दाहिने साइड सोते हैं, यानी तो हमारा उस टाइम पे क्या होता है, हमारा लीवर नीचे साइड होता है। तो राइट साइड अगर हम सो रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा स्टमक ये है, और यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारा ईसोफेगस यानी फूड पाइप की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और नीचे तो जा ही रहा है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, जो हमने खाना खाया वो अच्छी तरह से बनता नहीं है, मतलब उसको बर्न नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी जो है उतनी अच्छी नहीं मिलती है और हमें गैस वगैरह की समस्या रहती है। और हम जनरली देखते हैं कुछ पेशेंट हमसे ये भी बोलते हैं कि जो है मतलब हार्ट बर्न की समस्या रहती है, जलन होती है, या उनको अल्सर हो गया होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि वो दाहिने साइड सोते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड सोते हैं, यानी इसको बाएं हाथ पे हम बोलेंगे, तो अगर लेफ्ट साइड सोते हैं, बाएं हाथ पे सोते हैं वो, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है यानी जो एसिड वगैरह है, वो हमारा स्टमक में एक जगह पे एक्यूमुलेट रहता है, एक जगह इकट्ठा रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारे फूड का जो है डाइजेशन बहुत बढ़िया से होता है, और हमें जो एनर्जी मिलनी है, जो एसिमिलेशन होना है, वो बहुत अच्छे से होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जो है लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, उससे हमारा जो हार्ट बर्न वो रिड्यूस होगा, और डाइजेस्टिव अपसेट जो है, जैसे गैस बनना, लोगों को समस्या है, वो ठीक होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।